जी फ्रेंड्स, आज हम आलू का बहुत ही क्रिस्पी वाला नाश्ता बना रहे हैं। ये आलू को हमने पील करके और इस तरीके से मैंने गोल गोल काट लिया है। थोड़े से मोटे हमें इनके काटने हैं ताकि ये तलते समय खूब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और टूटे नहीं। और अब ये क्रिस्पी हो गए, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। आलू का ऐसा अनोखा नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनके तैयार हो रही है ग्रेस एंड म्यूजिक के किचन में। आलूओं को हम निकाल लेते हैं इस तरीके से प्लेट के अंदर सारे आलू। देखिए इतने बढ़िया से करारे से क्रिस्पी हो गए। देखिए, देख के ही खाने का मन करने लगा होगा। बट अभी इसमें जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो आप देखिए, बहुत ही स्वाद बनेगी। अब हमने ये जो एक चम्मच नमक ये लिया हुआ है बेसन, ये देखिए इस अनुपात से पूरा भर के दाल का चम्मच। ये बेसन को हम गुलाबी भूनेंगे। बेसन बिल्कुल गुलाबी सा हमें भूनना है। आप कोई भी इस तरीके की डिश बनाए, कढ़ाई पुरानी भारी लीजिएगा ताकि आपकी डिश जलती रहे। देखिए बेसन थोड़ा सा है, इसको जल्दी जल्दी हमें चलाना है। देखिए इस तरीके से बेसन भी भून के गुलाबी तैयार हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और आलू भी क्रिस्पी तैयार हो गए। अब किस तरीके से हम इसको छोंकते हैं वो आप देखिएगा। जिस कढ़ाई में हमने बेसन भूना था उसी कढ़ाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अभी हमने हरी मिर्चियाँ डाल दी और हरी मिर्ची को हम थोड़ा सा फ्राई करें और इसके अंदर अब हम ये हींग डाल देंगे। ये मैंने हींग इस अंदाज से ली थी। और ये जो अजवाइन है, अजवाइन डालेंगे। इस टाइम हमें अपनी गैस को बंद कर देना है क्योंकि तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। और ये देखिएगा हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम, नमक डाल देंगे इतना, और ये डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर। और इसको अब हम चलाएंगे। अभी गैस मत जलाइएगा क्योंकि आपका मसाला जल सकता है। ये देखिए तेल इतना गर्म है, मसाला आसानी से भुन जाएगा। ये देखिए, ये देखिएगा जो बेसन हमने भून के रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल दें इस तरीके से। ये देखिएगा अब हमें अपनी गैस को ऑन करना है और आँच को कम रख के थोड़ा सा पानी हमें इसके अंदर डाल दें। ये देखिए पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी हम इस तरीके से बस डालें। ये देखिए, ये देखिएगा आप इसके अंदर जो हमने क्रिस्पी आलू थे वो डाल दिए हैं, जो हमने तल के गोल्डन फ्राई करके रखे। इसको हम मिक्स करें ठीक से। देखिए इतनी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट डिश बन के तैयार हो गई है। और लाल मिर्ची इसके अंदर थोड़ी सी अगर आप पसंद करते हैं चटपटा तो डाल दीजिएगा। और नींबू भी इसमें ज़रूर नहीं छोड़िएगा। खट्टी सी बहुत अच्छी सी तीखी चटपटी सी ब्रेकफास्ट के लिए क्रिस्पी आलू की रेसिपी तैयार हो गई है। देखिए इतनी बढ़िया सी क्रिस्पी आलू की ब्रेकफास्ट की रेसिपी तैयार हो गई है। इसके अंदर गोल्डन बेसन बना हुआ है और ये क्रिस्पी आलू इसके अंदर डाले हैं, चटपटा मसाले वाला, बिल्कुल थोड़े से मसालों में कम बजट में इतना बढ़िया सा आपका ब्रेकफास्ट का नाश्ता तैयार हो गया। इसको आप पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। यूपी की एक ख़ास डिश है जो कि अक्सर वहाँ पे बरसात के मौसम में बनाई जाती है। वैसे भी खा सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा नींबू और निचोड़ लेते हैं, चटपटा खट्टा स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।